जितने भी हमारे थर्ड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूं। और मैं आपको बता दूं, आज मैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आया हूं। यह आपका जो है आठवां वीडियो है, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का यह आठवां वीडियो है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। मैं अक्सर देखता हूँ कि कम्युनिटी हेल्थ पर लोग ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। मिडवाइफरी का डालते हैं तो अच्छे से देख लेते हैं, बट क्या होता है कि जब मैं कम्युनिटी हेल्थ CHN2 डालता हूँ तो लोग नहीं देखते हैं। और यही आदत, यही प्रैक्टिस आपको गलत एक्सपीरियंस देगा एग्ज़ाम में, क्योंकि एक मजबूत हो जाएगा और एक में कम नंबर आ जाएगा, सीधा नीचे आ जाइएगा। तो दो ही सब्जेक्ट तो है, दो ही को तो पढ़ना है आपको, और मैं कंटिन्यू दे भी नहीं रहा हूँ तब नहीं पढ़ रहे हैं। अगर कंटिन्यू अगर करने लगूँ तो फिर तो आप लोग और कम कर देंगे पढ़ाई। तो इसलिए आप ढीला मत होइए अपने आप से, अच्छा करिए, आपके भविष्य के लिए अच्छा रहे, ठीक है। आज का प्रश्न है, देख लीजिए, वृद्ध व्यक्ति की विशेष देखभाल में नर्स की भूमिका बताएं। जो एल्डरली, या इसी को हम लोग जीरियाट्रिक देखभाल में नर्स की भूमिका कहते हैं, ठीक है। नर्सिंग रोल ऑफ जीरियाट्रिक केयर, यानी वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल में नर्स की भूमिका क्या होती है, इसके बारे में हमको बताना है। वृद्ध व्यक्ति की विशेष देखभाल में नर्स की भूमिका या जीरियाट्रिक देखभाल में नर्स की भूमिका आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए जीरियाट्रिक केयर होता क्या है। तो देखिए, वृद्धावस्था में व्यक्ति की देखभाल विशेष जो है हो जाती है। अब जो कोई वृद्ध व्यक्ति होता है तो देखिएगा, वृद्ध व्यक्ति को जो है बुढ़ापा में उसको जो है देखभाल विशेष होने की चाहिए, विशेष बढ़ जाता है, ओके। अब होता यह है कि जब जैसे जैसे व्यक्ति वृद्ध होता है, ठीक है, बुढ़ापा होते जाता है, वैसे वैसे व्यक्ति जो है अपना देख रेख जो है खुद के लिए जो है वह बेपरवाह होने लगता है, कम हो जाता है। तो इसलिए वृद्ध व्यक्ति में विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस अवस्था में वृद्ध व्यक्ति की कार्य व स्वयं की देखभाल करने की क्षमता कम हो जाती है। अभी मैंने बताया, क्योंकि व्यक्ति जैसे जैसे एज ढलता है, व्यक्ति वृद्ध होता है, वैसे वैसे वह व्यक्ति कार्यहीन होने लगता है और स्वयं की देखभाल की जो करने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है। इसलिए वृद्धावस्था में व्यक्ति की देखभाल विशेष हो जाती है, बढ़ जाती है। अतः इसमें एक परिचर्या की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अतः इसमें जो नर्सिंग होती है, परिचर्या नर्स, उसकी भूमिका देख रेख में एक वृद्ध व्यक्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, बढ़ जाता है। वृद्धा में रोगी की देखभाल निम्न प्रकार की जाती है। और जब वृद्ध व्यक्ति वृद्ध होता है तो उसमें जो देखभाल होता है वह निम्न प्रकार से जो है होनी चाहिए, ठीक है। वृद्धा में रोगी की देखभाल निम्न प्रकार से की जाती है। अब एक नर्स को वृद्ध व्यक्तियों को देखभाल में क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे की तरफ चीज़ों को हैंडल करते हैं, ठीक है। जैसे पहला है, अब जब व्यक्ति वृद्ध होता है तो उसके जो पर्याप्त पोषण होते हैं वो कहीं ना कहीं पोषण उसका बिल्कुल, अब जो एक युवा यंग आदमी जो भोजन कर पाएगा वह एक वृद्ध व्यक्ति कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जितना यंग व्यक्ति एक बार में खा जाएगा वृद्ध व्यक्ति खा पाएगा नहीं, पचा नहीं पाएगा। तो तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो पर्याप्त पोषण प्रदान करना पड़ता है एक वृद्ध व्यक्ति को उसके देखभाल में। पहला पोषण से ही रिलेटेड इशू रहता है वृद्ध व्यक्ति को। तो वृद्धावस्था में पाचन क्षमता कम हो जाती है, ठीक है, अतः व्यक्ति को पर्याप्त पोषण प्रदान करनी चाहिए, ठीक है ना। तो पर्याप्त पोषण प्रदान करने का मतलब होता है कि वृद्धावस्था जब व्यक्ति को होता है तो उस समय पाचन क्षमता, डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा जाता है, समझ गए। अतः इसके लिए पर्याप्त पोषण प्रदान करना चाहिए जो उस व्यक्ति के अनुसार हो, वैसा पोषण, ओके। उसके लिए रोगी को उच्च कैलोरी युक्त भोजन दिया जाना चाहिए। वृद्ध व्यक्ति में भोजन कम करें लेकिन हाई कैलोरी वाला भोजन देना चाहिए ताकि व्यक्ति को एनर्जी मिल सके। रोगी के लिए मेनू प्लानिंग करने से पूर्व उसकी भोजन चबाने, निगलने तथा पाचन क्षमता का पता करना चाहिए तथा उसी अनुसार भोजन तैयार करना चाहिए। अब वृद्ध व्यक्ति है, आप वृद्ध व्यक्ति का देखभाल कर रहे हैं, आप उसके पोषण के लिए देखभाल कर रहे हैं, उपयुक्त पोषण के लिए, तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि वृद्ध व्यक्ति क्या भोजन चबा रहा है या नहीं चबा पा रहा है खुद से, ठीक है, निगलने में ठीक ठाक है या नहीं है,
पाचन क्षमता कैसा है ताकि किसी प्रकार के भोजन दे बना के तो वह पचा ले। अगर उसे पाचन में मिर्च मसाला वाला ज़्यादा नहीं पचता हो, दांत का समस्या हो, समझ गए, दांत से नहीं निगल चबा पाता हो ठीक से, तो उसी चीज़ को देखकर हम भोजन वैसा ही तैयार करते हैं। तो पहला ये चीज़ मेनू प्लानिंग बनाने से पहले इन सब चीज़ों को देखते हैं। आगे है, रोगी के लिए भोजन निर्माण करते समय उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखें। अब उपयुक्त पोषण का आप कर रहे हैं ख्याल, तो आपके ध्यान में रखना पड़ेगा कि व्यक्ति को क्या भोजन में पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो ये भी हो गया। रोगी को परोसे जाने वाले आहार पोषण युक्त ताज़ा व सुपाच्य होनी चाहिए। अब आप जो भी वृद्ध व्यक्ति को भोजन दे रहे हैं, ध्यान रखना पड़ेगा क्या वह आहार पोषण वाला है, पोषण युक्त है, ताज़ा है, सुपाच्य है यानी पचने योग्य है या नहीं है, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। रोगी को खाना खाने से पूर्व व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे हाथ धोना, कुल्ला करवाना आदि का ध्यान रखना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एक वृद्ध व्यक्ति का देखभाल कर रहे हैं। अब वृद्ध व्यक्ति का देखभाल कर रहे हैं, हो सकता है वृद्ध व्यक्ति खुद से साफ सफाई नहीं रख रहा हो, तो आपको उसको खाना से पहले हाथ धोलाना, कुल्ला करवाना आदि चीज़ें, मुँह धुलवाना, ये सब चीज़ें करना पड़ेगा, ओके। रोगी को छोटे छोटे टुकड़े में खाने के लिए प्रेरित करें, ज़्यादा से दिक्कत हो सकता है, तो रोगी को थोड़ा थोड़ा बार बार भोजन के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब वृद्ध व्यक्ति है तो एक बार कस के खिला दीजिएगा, गैस बन जाएगा, पचेगा नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़े थोड़े भोजन कई बार अगर देना पड़े तो दीजिए, लेकिन थोड़े थोड़े। रोगी को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब रोगी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा तरल चीज़ें दें, क्योंकि वृद्धावस्था में व्यक्ति के शरीर से डिहाइड्रेशन होने का खतरा रहता है, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा तरल दें, तरल पेय पदार्थ। और नेक्स्ट है यहाँ पे, रोगी के भोजन में पर्याप्त रेशेदार अंश होनी चाहिए। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वृद्ध व्यक्तियों के कब्ज का समस्या भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि भोजन सही से पचता नहीं है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप भोजन दे रहे हैं वह बिल्कुल रेशेदार है, उसमें फाइबर युक्त भोजन है, ताकि वह आसानी से पचता है और कब्ज बनने से रोकता है। तो ये चीज़ हो गया पर्याप्त पोषण के लिए क्या क्या करेंगे, सारा चीज़ यहाँ पे एज ए नर्स आपको लिखना पड़ेगा, ओके, क्योंकि आप नर्स की भूमिका ही बता रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं। तनाव व चिंता को कम करना, एज ए नर्सिंग भूमिका में तनाव व चिंता को कम करना। अब जैसे वृद्ध व्यक्ति होता है, जैसे ओल्ड एज में जाता है, तो व्यक्ति को तमाम सारे चिंताएँ, तमाम सारे तनाव जो है व्यक्ति को घेरने लगता है, ठीक है। तो इससे आपको तनाव और चिंता को कम करने के लिए आप क्या क्या करेंगे, उस चीज़ को लिखना पड़ेगा एज ए नर्स। देखिए, तो व्यक्ति की समस्या को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। अब जो व्यक्ति तनाव में चिंता से ग्रसित है, तो उसके बातें को आपको पहले सुनना चाहिए ध्यान पूर्वक, ठीक है। तो यहाँ भी नर्स वही करेगी, व्यक्ति से अपनेपन व लगाव वाला व्यवहार करना चाहिए। जो व्यक्ति तनाव और चिंता में हो, उसको और आप कस के बोलेंगे, उसे डांटेंगे, तो उसे और दिक्कत होगा, तो इसलिए उसे अपनापन और लगाव वाला व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्यक्ति की आर्थिक समस्याओं का समाधान मार्ग बताना चाहिए। व्यक्ति ज़्यादातर आजकल के समय में चिंता और तनाव में आर्थिक तंगी को लेकर ही रहता है, तो उसमें से एक कारण ये भी हो सकता है, तो उसके लिए समस्याओं का समाधान बताना चाहिए कि कैसे होगा। रोगी को साइकोलॉजिकल हेल्प सपोर्ट देना चाहिए। रोगी को पसंद अनुसार मनोरंजन चिकित्सा उपलब्ध करानी चाहिए, ठीक है। मरीज को देखिए, उसके पसंद में जो भी म्यूजिक हो, भजन सुनता हो तो भजन, कोई म्यूजिक हो तो म्यूजिक, उसके पसंद के अनुसार के मनोरंजन चिकित्सा उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि टेंशन तनाव कम हो सके, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो व्यक्ति की समस्या है, ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। अब इस समस्या में व्यक्ति का बहुत सारे चीज़ हो सकता है। तनाव चिंता में व्यक्ति इसलिए भी चला जाता है कि जैसे वृद्ध होता है ना, तो व्यक्ति को अपने घर का टेंशन, अपने बच्चों का टेंशन सताने लगता है कि कैसे रहेगा, हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ये वो, तो इनको समस्या को ध्यान से सुनना चाहिए कि आखिर समस्या इनका क्या है, ओके, जिससे तनाव चिंता का रास्ता आप निकाल सके, ओके। नेक्स्ट है, व्यक्ति की स्वच्छ रखना, व्यक्ति को स्वच्छ रखना।
अब वृद्ध व्यक्ति है, मैंने पहले ही बताया कि वह खुद से देखभाल करने में असमर्थ हो जाते हैं वृद्ध व्यक्ति, तो इसको आपको एज ए नर्स आपको स्वच्छ रखने में मदद करना पड़ेगा। ठीक है, आपका चूंकि रोल ही है, भूमिका ही यही है, तो व्यक्ति की व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति पर्सनल हाइजीन कितना ज़्यादा मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा है तो एज ए नर्स आपको करना पड़ेगा मदद। व्यक्ति को मुंह की देखभाल प्रदान करनी चाहिए। जो व्यक्ति वृद्ध हो जाता है वो कुछ नहीं कर पाता अपना से, तो उसके मुँह का भी देखभाल आपको ही करना पड़ेगा। ओके, अब मैं बता दूँ कि जब आप डे केयर में किसी को केयर टेकर में आप करिएगा, तो केयर टेकर में बड़े बड़े जो घर के लोग होते हैं वो अपने वृद्ध माता पिता के लिए केयर टेकर में नर्स को रखते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको तो देखभाल करना पड़ेगा ना, वो इसीलिए केयर टेकर रख रहा है ताकि वो अपना से वृद्ध माता पिता कोई अपना से देखभाल नहीं कर रहा है, तो उसकी आपको रखना पड़ता है, केयर टेकर में आपको रख रहा है, तो आपको तो ये सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा ना, साफ सफाई, मुँह का साफ सफाई है या नहीं है, केयर टेकर में सब करना पड़ता है। ठीक है, व्यक्ति को साफ कपड़े पहनना चाहिए एवं उसके बिस्तर भी साफ रखने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, व्यक्ति को साफ सफाई में स्वच्छ कपड़े स्वच्छ बिस्तर होनी चाहिए। व्यक्ति की बाल त्वचा नाखून को भी साफ सफाई रखनी चाहिए। तो ये सब हो गया स्वच्छता के लिए। ओके, अब अपने यहाँ पे चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि पर्याप्त आराम प्रदान करना। देखिए, एक वृद्ध व्यक्ति होता है, आप वृद्ध व्यक्ति के समस्या को अगर आप समझ गए हैं तो उसके समस्या को आप कैसे हल करेंगे उसी चीज़ को लिखना है। सबसे पहले आप एज ए नर्स ये ध्यान में रखिए कि एक वृद्ध व्यक्ति को क्या क्या आवश्यकता हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने पढ़ाया उपयुक्त पोषण, तो उपयुक्त पोषण भी ज़रूरी पड़ जाता है कि आप कैसा पोषण देंगे। वृद्ध व्यक्ति है तो वह खुद से अच्छा पोषण लेगा नहीं, तो आप उसके पोषण के लिए क्या क्या करेंगे, कैसा भोजन देंगे। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा मैंने पढ़ाया कि जो है स्वच्छ रखने में आप क्या क्या स्वच्छ रखेंगे, कैसे रखेंगे, वो चीज़ें लिखना है। उसी प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया साफ सफाई स्वच्छ हो गया, उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे पढ़ाया समस्या को समाधान, चिंता तनाव को कम करना। अब एक वृद्ध व्यक्ति होता है, खुद सोचिए कि व्यक्ति जैसे जैसे एज होते जाता है व्यक्ति का, वैसे वैसे व्यक्ति परेशान चिंताग्रस्त होते जाता है किसी न किसी चीज़ को लेकर, तो इन सारे चीज़ों को आप कैसे हैंडल करेंगे उसको बताना था। चौथा है, अब आपको पर्याप्त आराम प्रदान करना। अब एक वृद्ध व्यक्ति है तो उससे ज़्यादा काम करवाना ठीक नहीं है, न ज़्यादा काम कर पाएगा, शक्तिहीन हो जाता है व्यक्ति, तो उसके लिए आपको पर्याप्त आराम प्रदान करने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा, तो इस चीज़ को देखिए यहाँ पे। जैसे व्यक्ति को पर्याप्त आराम प्रदान करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आराम प्रदान करना चाहिए। व्यक्ति की स्थिति हर 2 घंटे में बदलते रहना चाहिए। ओके, आप जिस बेड पर व्यक्ति को बिस्तर पर रखे हैं उस पर हर 1-2 घंटे पर पोजीशन अगर व्यक्ति खुद से नहीं बदल रहा है तो आपको बदलना पड़ेगा, नहीं तो उसे एक ही पोजीशन में रखे रखे उससे जो है बिस्तर वाला घाव, बिस्तरी घाव हो सकता है। यदि बेड सोर हो तो वाटर मैट्रेस और एयर मैट्रेस पर व्यक्ति को लिटाना चाहिए। अब जब अगर मान गए व्यक्ति बहुत दिनों से बेड पर पड़ा है तो उसे बिस्तरी घाव हो सकता है, अगर हो गया है तो उस कंडीशन में व्यक्ति को वाटर मैट्रेस या एयर मैट्रेस पर लिटाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, व्यक्ति को रात को सोते समय परेशान नहीं करना चाहिए। अब व्यक्ति रात को समय व्यक्ति को सोते समय परेशान नहीं करना चाहिए। ओके, ये चीज़ें हो गया। उसके बाद है, यदि आवश्यक हो तो सीडेटिव भी दिए जा सकते हैं। सीडेटिव दवाइयाँ व्यक्ति को मन को शांत करता है, नींद लाता है, नींद को प्रेरित करता है, तो इसलिए अगर व्यक्ति को नींद नहीं आ रहा हो तो उस कंडीशन में सीडेटिव दवाई भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पर्याप्त आराम दिलाने के लिए जो जो काम आप करें। पांचवा है यहाँ पे देख लीजिए, व्यायाम प्रेरित करने हेतु प्रेरित करना। अब ये जो वृद्ध व्यक्ति होता है, शरीर को मूवमेंट कर रखने के लिए, शरीर को अच्छे से चलाने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, तो व्यक्ति अपने से खुद से वृद्ध व्यक्ति नहीं कर पाता है एक्सरसाइज, तो आपको उसे मोटिवेट करना पड़ेगा, प्रेरित करना पड़ेगा आप उसको व्यायाम करने के लिए, चाहे वो खुद से करे या फिर आप करवाएं, लेकिन व्यायाम के लिए काम आपको करना पड़ेगा। तो पांचवा है, व्यायाम करने हेतु प्रेरित करना। व्यक्ति को नियमित व्यायाम करने हेतु प्रेरित करना चाहिए। अब व्यक्ति को आपको रेगुलर
प्रेरित करना चाहिए व्यायाम करने के लिए, जैसे गहरी सांस लेना, सुबह सुबह घूमना, योग करना आदि चीज़ों के बारे में प्रेरित करनी चाहिए। वृद्ध व्यक्ति के व्यायाम करने में उसमें स्फूर्ति बनी रहती है, यानी एनर्जी और जो है चहल पहल बनी रहती है। व्यायाम करने से भूख भी अच्छी लगती है, ठीक है, चूँकि शरीर से एनर्जी लॉस हो गए, शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना, बहुत ज़्यादा मतलब शरीर काम करता है तो भूख भी ज़्यादा लगेगा, समझ गए। व्यक्ति को चलने के लिए छड़ी या वाकर प्रदान करनी चाहिए। अब व्यक्ति वृद्ध हो चुका है तो देखते होइएगा वृद्ध व्यक्ति सब एक डंडा लेकर घूमता है, तो वही वाकर या छड़ी जो भी हो लेकर घूमनी चाहिए। और अगर व्यक्ति इन सब चीज़ों को खुद से नहीं कर पाता है तो आपको सपोर्ट करना चाहिए व्यायाम करवाने में, ठीक है। तो इस प्रकार से व्यायाम करने के लिए प्रेरित आप कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों को लिखना था, ओके। अब यहाँ पे है सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप यही है कि आप मरीज को, आप बूढ़े व्यक्ति को सुरक्षा कैसे करेंगे, सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या क्या करेंगे देख लीजिए। सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यक्ति को यथासंभव भूतल ग्राउंड फ्लोर पर रहने की सलाह देनी चाहिए। जो वृद्ध व्यक्ति हो जाए उसे कोशिश करना चाहिए कि ग्राउंड फ्लोर पर ही रखने का प्रयास करना चाहिए, दूसरे तीसरे चौथे मंजिल पर रखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है व्यक्ति अगर उतरने का प्रयास करे सीढ़ी पर गिर जाए, ठीक है, या फिर अगर रहे तो उसके आपको जब भी नीचे ऊपर करे तो आपको उसको व्यक्ति का आवश्यकता पड़ेगा देख रेख के लिए। यदि आवश्यक हो तो बेड रेलिंग लगाना चाहिए, यदि आवश्यक हो तो चारों साइड से जो बेड रेलिंग होता है वो बेड रेलिंग लगाना चाहिए ताकि पेशेंट उससे गिरे नहीं। स्नान घर में फिसलन को हटाना चाहिए और व्यक्ति को बैठा कर नहाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अक्सर देखा जाता है जब ओल्ड एज हो जाता है तो व्यक्ति बाथरूम में गया, बाथरूम में फिसल जाता है, गिर जाता है, जिससे ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो कभी भी ओल्ड एज में एक तो व्यक्ति को अकेला स्नान नहीं करने देना चाहिए, अगर कर भी रहा है तो उसे फिसलन युक्त वाला, फिसलन रहित घर होना चाहिए। जैसे लोग टाइल्स वगैरह लगा देता है उसमें पैर फिसल जाता है, अच्छे अच्छे लोगों का पैर फिसल जाता है, वो तो वृद्ध व्यक्ति है, उनके ऊपर उतना कंट्रोल रहता भी नहीं है। तो आपको स्नान घर में फिसलन को हटाना चाहिए, टाइल्स को हटाना चाहिए और व्यक्ति को बैठा कर स्नान करवाना चाहिए, ठीक है, प्रेरित करना चाहिए। व्यक्ति को भारी कार्य करने से रोकना चाहिए, क्योंकि भारी काम करेगा तो वह व्यक्ति के लिए खतरा है। तो सुरक्षा में जो जो चीज़ें हो सके आप कर सकते हैं, ठीक है। सातवां है स्वास्थ्य, आखिरी है या स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। अब एक वृद्ध व्यक्ति है, आप उसको स्वास्थ्य शिक्षा में क्या क्या करेंगे ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो स्वास्थ्य शिक्षा में जैसे व्यक्ति को हेल्दी लाइफ स्टाइल में रहने के लिए प्रेरित करना, स्वस्थ लाइफ जीने के लिए, व्यक्ति को स्वच्छता बनाए रखने के लिए आपको सलाह देना पड़ेगा कि क्या क्या आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है व्यक्ति को सभी दवाइयां सही समय पर देने के लिए कहना चाहिए, ठीक है। व्यक्ति को नियमित अस्पताल में विजिट करने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि भाई रेगुलर आके अस्पताल में विजिट करके ट्रीटमेंट लेते रहिए। व्यक्ति को दुर्घटनाओं से बचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसे धूम्रपान, शराब सेवन, झगड़ालू प्रवृत्ति आदि, इन सब चीज़ों से एक वृद्ध व्यक्ति को बचाना चाहिए, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति जितना धूम्रपान, शराब और झगड़ालू प्रवृत्ति का होगा उतने ही उसके स्वास्थ्य पर जो है निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। एंड लास्ट में है अपन यहाँ पे कि व्यक्ति एवं उसके संबंधियों को आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो स्वास्थ्य शिक्षा में जो जो चीज़ें हो आप दे सकते हो शिक्षा, ऐसी कोई बात है नहीं। तो इस प्रकार से हिंदी हो गया समाप्त, यहाँ पे टोटल इंग्लिश है, आप एक दो बार इसे रिविज़न कर लीजिएगा, आपके माइंड में बैठ जाएगा, कोई ऐसा बड़ी बात है नहीं, ठीक है। बाकी चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ पे टोटल इंग्लिश दिया गया है, जो लोग इंग्लिश में चाहते हैं या यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपको यूनिट वाइज आपको मिल जाएगा nursinggyan.com पर ही आपको यूनिट वाइज या PDF डाला है वहाँ पे मिलेगा, आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए समझिए, ठीक है। चलिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो इंस्टा पर संपर्क हमसे कर सकते हैं, ठीक है। टोटल हिंदी के इंग्लिश भी यहाँ पर दिया गया, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, ओके, धन्यवाद।